वेलकम बैक दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, यहां आप सभी को रोज़ाना बहुत ही उपयोगी वीडियोस दी जाती हैं, आपके क्षेत्र की सारी न्यूज़ दी जाती है और बेसिकली जेवर एयरपोर्ट संबंधी सारी न्यूज़ दी जाती है। तो जो आपके क्षेत्र की न्यूज़ें रहती है दोस्तों, उसमें ये मत सोचिएगा कि उसमें वो टॉप मोस्ट न्यूज़ नहीं रहती हैं, वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। देखिए, आप अपने काम की ही वीडियोस मस्त देखा करिए, क्योंकि ये आपके क्षेत्र की बात है। सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे आसपास के वातावरण में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए, एयरपोर्ट के पास 700 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। तो एयरपोर्ट के पास में 700 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की एक योजना लाई गई है, ठीक है। देखिए, एयरपोर्ट संबंधी पल पल की सारी अपडेट्स मैं यहाँ पर आप सभी को देता हूँ, पता है आप सभी को ये, तो सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को, डरिएगा मत, ठीक है। सब्सक्राइब करने से डर रहे हैं, मैंने कल भी आंकड़ा बताया था, 61% लोग ही ऐसे हैं दोस्तों जो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। मात्र 35% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को, और ठीक है, सब्सक्राइबर होते हुए वीडियो को देख रहे हैं। तो जो 61% लोग हैं ना, बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देख रहे हैं, मेरा इनसे कहने का मतलब दोस्तों यह है, कहने का हाथ जोड़कर विनती है आपसे, ठीक है, सभी लोग जो भी वीडियो को देखें वो सभी लोग सब्सक्राइब करें, तभी तो ये जन जन तक पहुंचेगा आपका अपना यूट्यूब चैनल। देखिए, पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब ही जनता होता है। जब नाम ही आपके ऊपर मैंने इसका रख दिया चैनल का, तो बताइए तब भी आपका सपोर्ट नहीं मिला तो फिर क्या मिला, ठीक है। तो सपोर्ट दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो 61% बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देख रहे हैं, इन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्सों को भी वीडियो को फॉरवर्ड करें। तो एयरपोर्ट के पास 700 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना है, पूरी खबर देखिएगा विस्तार से। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 700 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाएगा। यह ट्रांसपोर्ट नगर जेवर एयरपोर्ट से सटे यमुना सिटी के सेक्टर 23C में होगा, ठीक है। यह सेक्टर एयरपोर्ट के सामने है। यमुना प्राधिकरण ने नया प्रस्ताव तैयार करके शासन के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसके बनने से जेवर एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। साथ ही देश विदेश से जेवर एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के सामने जो सेक्टर 23C होगा, उसमें 700 एकड़ जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का फैसला लिया है। ट्रांसपोर्ट नगर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग बनाएगा। प्राधिकरण उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को जमीन का आवंटन करेगा, जेवर एयरपोर्ट के साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर भी शुरू हो सके। इसके लिए कौन आवंटन करेगा, तो परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश इस जमीन का आवंटन करेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने प्रस्ताव तैयार करके प्रमुख परिवहन सचिव को भेजा है। मास्टर प्लान में जमीन चिन्हित कर दी गई है, ठीक है। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों को देश प्रदेशों में या देश विदेशों में उनके गंतव्य तक लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों में आने जाने के लिए दोस्तों पैदल चलकर ऑटो टैक्सी लग्जरी बस से यात्रा कर सकेंगे, ऐसी सुविधा भी कराई जाएगी। तो एक तो ये बड़ी अपडेट हो गई आप सभी के लिए जेवर एयरपोर्ट से, अभी और भी बड़ी अपडेट्स हैं सभी को बताऊंगा। देखिए, आज एक बैठक होने वाली है नोएडा प्राधिकरण में। देखिए, नोएडा प्राधिकरण में बोर्ड की बैठक आज। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शुक्रवार को कई परियोजनाओं के कंसल्टेंट्स को मंजूरी मिलेगी, साथ ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं के काम को रफ्तार से, ठीक है, कराने के लिए और उसके संबंध में जरूरी काम को मंजूरी दी जाएगी। इसमें हैबिटेट सेंटर, हेलीपोर्ट और गोल्फ कोर्स परियोजना शामिल है। सेक्टर 161 से 66 तक 218 हेक्टेयर जमीन सीधे बेनामा से खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पहली बार DDA की तर्ज पर नोएडा में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक होगी। इससे पहले 197वीं बोर्ड बैठक 27 सितंबर 2019 को हुई थी। प्राधिकरण सूत्रों ने बताया कि सेक्टर 94 में बनने वाले हैबिटेट सेंटर के लिए करीब 680 करोड़ रुपए के बजट प्लान को मंजूरी मिलेगी। तो ये भी आपके लिए एक बड़ी अपडेट थी। चलिएगा मां, तभी जेवर एयरपोर्ट और भी अपडेट रह रही है आप सभी के लिए भाई, खबर होगी कंप्लीट और चलते बने हैं अभी, अब खबर बच रही है अभी, अब कहाँ जाएंगे आप, ठीक है, छोड़ के मत जाइएगा, ऐसे छोड़ के जाएंगे तो फिर तो चल गया काम।
सभी के लिए यहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर देखिए अपडेट आप सभी को दी जाती हैं। ये वैसा ही नहीं है दोस्तों, देखिए एक बड़ी अपडेट है यहाँ पर, जिनकी ज़मीन नहीं थी वो भी उपद्रव में शामिल हो गए थे। तो ऐसी दोस्तों प्रशासन ने मनसा जताई है, ऐसी एक अपडेट डाली है कि जिनकी एयरपोर्ट में ज़मीन भी नहीं गई वो भी इसमें शामिल हो गए उपद्रव में। ठीक है, सोमवार को आप लोगों को पता होगा जेवर एयरपोर्ट के गांव रोही में कब्जा हुआ था, ठीक है, और उसमें हिंसा हो गई थी। तो उस हिंसा में कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जिनकी ज़मीन ही नहीं थी, वो भी शामिल इसमें हो गए थे। देखिए एक बड़ी अपडेट आई है, एसपीबी ने किया सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बनाई गई स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीबी कंपनी अमना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने सोमवार को क्लियरेंस के लिए आवेदन किया, जाँच की औपचारिकता पूरी होने के बाद कंपनी को लेटर ऑफ द अवार्ड जारी किया गया। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी ने 29 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिड जीती थी। कंपनी को अवार्ड ऑफ लेटर जारी होने से पहले उसे एसपीबी के गठन व सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्तों को पूरा करना था। इसके लिए विकासकर्ता कंपनी को 31 जनवरी तक का समय दिया गया, यानी आज समय लास्ट है, ठीक है, लेकिन कंपनी आज से पहले ही इस काम को पूरा कर चुकी है। ठीक है, विकासकर्ता ने यमुना प्राधिकरण या यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एसपीबी गठित की है। एसपीबी कंपनी ने सोमवार को सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करना था, ठीक है, और जबकि ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी पहले ही सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन कर चुकी है। दोनों कंपनियों का सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद लेटर ऑफ द अवार्ड जारी किया जाएगा। तो एक का तो आज बिल्कुल लास्ट डे है, बिल्कुल आज अंतिम दिन है। ठीक है, देखिए अभी और भी आप सभी के लिए अपडेट्स हैं, मैं सोच रहा हूं आप सभी के लिए शामिल कर लूं उन सभी अपडेट्स को। देखिए एक और बड़ी अपडेट है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के हाथ होगी जेवर हवाई अड्डे की कमान। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने पर्पस व्हीकल्स कंपनी का गठन कर दिया है। इसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया है। ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन कर दिया है, ठीक है। एसपीबी कंपनी को 31 जनवरी यानी आज तक सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करना है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी न्याल व एसपीबी कंपनी के बीच कंसेंसस एग्रीमेंट होगा, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट के लिए 29 नवंबर को ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी का विकासकर्ता कंपनी के तौर पर चयन किया गया था, लेकिन एयरपोर्ट का निर्माण, ठीक है, वह तभी शुरू कर सकती है तब भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत होगी। इसे देखते हुए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने जेवर एयरपोर्ट के लिए एसपीबी कंपनी बनने का फैसला किया। सरकार पहले ही जेवर एयरपोर्ट के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी नियाल का गठन कर चुकी है। ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी ने 22 जनवरी को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से एसपीबी का गठन कर दिया है। कंपनी बोर्ड में प्रदेश सरकार पहले ही नागरिक उड्डयन निदेशालय के निदेशक व नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी के सीईओ को निदेशक नियुक्त कर चुकी है। ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन भी कर दिया है। हालांकि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को भी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगा। इसके लिए कंपनी को 31 जनवरी तक आवेदन करना है, यानी आज तक आवेदन करना है। दोनों कंपनियों को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद नियाल उसे लेटर ऑफ द अवार्ड जारी कर कंसेशन एग्रीमेंट, इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए किया आवेदन, साथ ही एसपीबी का गठन भी कर दिया। इसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया गया है। एसपीबी कंपनी की ओर से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन अभी किया जाना बाकी है, ये बताया है शैलेंद्र भाटिया, नोडल अधिकारी जेवर एयरपोर्ट। तो दोस्तों आप सभी अभी तक देख रहे थे जेवर एयरपोर्ट की ताज़ा तरीन बिल्कुल बड़ी अपडेट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आए और इसी तरह की वीडियोस आप आगे भी पाना चाहते हैं तो आज ही जुड़ जाइएगा आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर विद विनोद के साथ में। आपने अपना कीमती समय खर्च किया है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। देखिए अब प्रस्तुत हैं थोड़ी देर में आप सभी के लिए 10 बड़ी अपडेट्स, उनको भी ज़रूर देखिएगा।